अभिवादन। आज का विषय है भातखंडे स्वरलिपि पद्धति और विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति, इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन। स्वरलिपि वस्तुतः है क्या? भारतीय शास्त्रीय संगीत को लिखित रूप में निरूपित करने के लिए स्वरलिपि एक माध्यम है, एक प्रणाली है। संगीत के क्रियात्मक पक्ष को लिखने के लिए उसके प्रयोगात्मक चिन्हों के निर्माण पर समय समय पर विचार विमर्श होता रहा है, किंतु अनेक मतभेदों के बावजूद इसे साकार रूप देने का जो कार्य किया वो हमारे देश के दो मूर्धन्य विद्वान, या यूं कहें महान विभूतियां, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने इसे मूर्त रूप दिया। इन दोनों महान विभूतियों का जो योगदान है वह अद्वितीय है। और इनके बाद स्वरलिपि पर कार्य अनेक विद्वानों ने भी किया, उनमें कुछ नाम मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। पंडित विनायक राव पटवर्धन जी ने, पंडित शंकर राव जी व्यास जी ने भी पंडित विष्णु दिगंबर जी की जो मूल लिपि थी उसमें कुछ परिवर्तन किए और राग विज्ञान तथा व्यास कृति नामक पुस्तकें छपवाई और उसमें इन स्वरलिपियों का वर्णन भी किया। बाद में पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी ने भी स्वरलिपि में कुछ परिवर्तन करके अपनी पुस्तक संगीतांजलि का प्रकाशन 6 भागों में किया, उसमें भी स्वरलिपि पद्धति का दर्शन देखने को मिलता है। अब भातखंडे स्वरलिपि पद्धति और विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति, इन दोनों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम प्रायः देखते हैं संगीत में, जब हम शास्त्रीय संगीत गायन पक्ष की तरफ जाते हैं या वादन पक्ष की तरफ जाते हैं, तो यदि हम उसके लिखित सामग्री की तरफ जाएं तो कुछ चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं और प्रश्न उठता है कि इन चिन्हों का मतलब क्या होता है। उसी विषय को आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले एक टेबल, एक सारणी है, उस सारणी को आपको देखना है। उसे देखने के साथ जब आप सुनोगे तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। यदि आप केवल सुनोगे और उस सारणी को नहीं देखोगे तो कई प्रश्न मस्तिष्क में घूमते रहेंगे और उसका निवारण मुश्किल से हो पाएगा। उदाहरण के स्वरूप मैं अपनी ही हस्तलिखित एक सारणी आपके समक्ष इस प्रकार से आप देखेंगे, ये 2 भागों में विभक्त है, बीच में आपको एक लाइन नजर आ रही है। एक तरफ भातखंडे जी की पद्धति और दूसरी तरफ विष्णु दिगंबर जी की पद्धति क्या है, यह आपको बड़े गौर से देखनी है और आप स्वयं भी से लिख कर यदि बार बार प्रयास करेंगे तो आपको यह स्वर पद्धति बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। बात करते हैं दोनों पद्धतियों में स्वर चिन्ह, सप्तक के चिन्ह, स्वरमान, ताल चिन्ह और स्वर सौंदर्य के चिन्ह किस प्रकार दर्शाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर चिन्ह की। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में शुद्ध स्वर रे ग मा, उदाहरण के स्वरूप पे हम यदि ये 3 स्वरों को लें तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई निशान या कोई चिन्ह नहीं होता। और विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में भी
शुद्ध स्वर यही रेगा मा उदाहरण के स्वरूप लें तो वहां भी किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, या हम यूं कहें कि ये चिन्ह रहित है। अब बात करते हैं कोमल स्वर की। कोमल स्वर यदि हम रेगा लें तो भातखंडे पद्धति में रे के नीचे एक लाइन रेखा, गा के नीचे भी एक रेखा, और दूसरी तरफ दूसरी पद्धति में कोमल स्वर रे और ग यदि हम देखें तो उनके नीचे एक हलंत का प्रयोग किया गया है। ये रे के नीचे एक लाइन बिल्कुल थोड़ी सी टेढ़ी खींच दी जाती है और उसके बाद तीव्र स्वर की ओर चलते हैं। भातखंडे पद्धति में तीव्र जो है, जैसे माँ है, तो माँ के बिल्कुल एक तरफ एक खड़ी रेखा हमें नजर आती है, वो तीव्र स्वर की तरफ इशारा करती है। और दिगंबर पुलस्कर जी की पद्धति में तीव्र स्वर यदि माँ है तो माँ के बिल्कुल पाँव में एक, जैसे हम हिंदी में वक्र शब्द यदि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो क के पाँव में जो र लग रहा है उसी प्रकार का र यहाँ माँ के पाँव में लगता है। ये बात तो मैंने की स्वर चिन्ह के विषय में। अब हम बात करते हैं सप्तक की बात। सप्तक में क्या चिन्ह होते हैं? सबसे पहले मध्य सप्तक। उदाहरण के स्वरूप यदि हम ग मा पा और तीन स्वरों को लें तो मध्य सप्तक में किसी भी प्रकार का चिन्ह भातखंडे पद्धति में नहीं होता। और इसी प्रकार विष्णु दिगंबर पुलस्कर पद्धति में मध्य सप्तक में इन्हीं स्वरों को हम लेते हैं ग मा पा, वहां भी चिन्ह रहित है, यानी कि कोई निशान नहीं है। अब चलते हैं मंदर सप्तक की तरफ, यही ग मा पा उदाहरण के स्वरूप। तो भातखंडे पद्धति में ग मा पा यदि ये मंदर सप्तक के हैं तो इनके बिल्कुल नीचे हम देखेंगे एक बिंदी का निशान हमें नजर आ रहा है। तो जब स्वरों के नीचे हम बिंदी देखते हैं तो बिल्कुल आभास हो जाता है कि ये मंदर सप्तक के स्वर हैं। इसी प्रकार विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की पद्धति में मंदर सप्तक के ऊपर बिल्कुल जो स्वर हैं, जैसे गामा पा, यहां पर जो बिंदी है इन स्वरों के ऊपर आ जाएगी। और तार सप्तक, भातखंडे पद्धति में तार सप्तक को दर्शाने के लिए स्वर के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, जैसे ग मा पा, तो यहां बिंदी ग मा पा के ऊपर लगेगी, जो यह दर्शाएगी कि यह तार सप्तक है। और विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की पद्धति में तार सप्तक ग मा पा यदि उदाहरण के स्वरूप हम स्वरों को लें तो ग के ऊपर एक खड़ी रेखा, इसी प्रकार मा के ऊपर खड़ी रेखा, इसी प्रकार पा के ऊपर खड़ी रेखा। तो ये सारे चिन्ह यहां हमें जो हमने अभी समझे, और चार्ट में भी बिल्कुल आप यदि देखेंगे सारणी में बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर समझ आ रहे हैं, ये सप्तक चिन्ह की ओर हमें बता रहे हैं कि इस प्रकार के निशान सप्तक चिन्ह के होते हैं। अब हम बात करते हैं स्वरमान की, कि स्वरमान के लिए क्या क्या निशान प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे एक खड़ी रेखा सबसे पहले भातखंडे पद्धति जी की वो क्या है दर्शाती है, यदि इस प्रकार हो तो इसका मतलब होता है मात्रा के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है, जैसे स। और दूसरी तरफ स्वरमान बिल्कुल एक साइन आपको नजर आ रहा है खड़ी रेखा का, मात्रा के लिए पड़ी रेखा से रेखांकित किया जाता है। ये जो रेखा है उदाहरण के स्वरूप आप देखेंगे जैसे सा दर्शाया गया है, ये जो खड़ी रेखा उदाहरण के स्वरूप आपको खड़ी दिखाई गई है ये सा के नीचे जाकर लेटी अवस्था में आ जाएगी, सा के नीचे लग जाएगी रेखा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि यह विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की स्वर लिपि पद्धति में एक मात्रा जो होती है उसमें प्रयोग की जाती है। और भातखंडे पद्धति में एक सही एक बटा दो मात्रा दर्शाने के लिए स डैश रे, और इसके स्वरों के बिल्कुल नीचे यदि आप देखेंगे तो अर्धचंद्राकार एक रेखा आपको नजर आ रही है। इस प्रकार की रेखा से हमें यह पता चलता है कि यह एक सही एक बटा दो मात्रा है। और दिगंबर पलुस्कर जी की पद्धति में इसी मात्रा को दर्शाने के लिए एक सही एक बटा दो को क्या करेंगे, जैसे सारे दो स्वर लिए तो सा के नीचे एक लाइन लेटी हुई अवस्था में हम देख रहे हैं वो आ जाएगी, और रे बिना लाइन के आपको नजर आ रहा है, ये इन चिन्हों की तरफ दर्शाता है। अब यदि कोई दो मात्रा की बात करें तो भातखंडे पद्धति में दो मात्रा दर्शाने के लिए स डैश रे डैश,
और दो मात्रा दर्शाने के लिए विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की पद्धति में आप देखेंगे स और रे। यदि आप इसके नीचे देखेंगे तो आपको एक एस का नजर निशान आ रहा है, लेकिन वो एस का निशान ऐसे ना लग के सा के नीचे फिर आप ऐसे एस का निशान देख रहे हैं। तो इस प्रकार के यहाँ चिन्हों को लगाया जाता है दो मात्रा दर्शाने के लिए। और भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में एक बटा दो मात्रा दर्शाने के लिए, जैसे यहाँ उदाहरण के स्वरूप में रे और गा दर्शाया गया है, और रे गा के बिल्कुल नीचे पांव पर यदि आप देखेंगे अर्धचंद्राकार एक आप इस प्रकार का साइन देख रहे हैं, यह दर्शाता है कि यह एक बटा दो मात्रा है। और दिगंबर पलुस्कर जी की स्वरलिपि की तरफ यदि आप देखेंगे एक बटा दो मात्रा दर्शाने के लिए रे ग म प और इनके बिल्कुल पांव के नीचे यदि आप देखेंगे तो आपको शून्य 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 चार, जैसे रे का नीचे शून्य, ग के नीचे शून्य, माँ के नीचे शून्य, प के नीचे शून्य यदि नजर आए तो ये इस बात की तरफ इंगित करता है कि ये एक बटा दो मात्रा दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं भातखंडे पद्धति में एक बटा तीन मात्रा दर्शाने के लिए, तो तीन जैसे रे गा मा ये तीन हुए, इनके बिल्कुल पांव में अर्धचंद्राकार एक रेखा खींच दी जाती है, ये एक बटा तीन मात्रा को दर्शाती है। और दूसरी तरफ दिगंबर पलुस्कर जी में एक बटा तीन मात्रा दर्शाने के लिए जैसे रे गा मा है तो प्रत्येक स्वर के नीचे हम क्या करते हैं एक बटा तीन लिख देते हैं, इससे बिल्कुल ये पता चलता है कि ये एक बटा तीन मात्रा दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। और एक बटा छः, एक बटा छः मात्रा दर्शाने के लिए जैसे रे ग मा प ध पा, रे ग मा प ध पा ये छः स्वर हैं, ये बिल्कुल एक साथ आ जाएंगे, इससे हमें पता कर चलेगा कि एक में छः। और दूसरी तरफ विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी पे यदि आप ध्यान दें तो एक बटा छः मात्रा दर्शाने के लिए वहाँ क्या करेंगे स्वर ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने रेगा मा पा रेगा मा लिया तो क्या करेंगे रे के नीचे लिख देंगे एक बटा छः, और इसी प्रकार गा के नीचे, इसी प्रकार माँ के नीचे, तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि ये एक बटा छः मात्रा का निशान जो है हमें इस बात की तरफ लेके जा रहा है कि ये एक बटा छः मात्रा है। अब इसके बाद हम ताल चिन्ह की तरफ चलते हैं, तालों का प्रयोग प्रायः गाने बजाने में जब हम करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ सम है, कहाँ खाली है, कहाँ विभाग है, कहाँ ताली है, तो इसको कैसे स्वरलिपि पद्धति में दर्शाया जाता है। भातखंडे पद्धति में सबसे पहले यदि ताल का कोई सम है तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, आप एक इस प्रकार का गुणा का निशान देख रहे होंगे क्रॉस, उससे हमें पता चल जाता है कि ये ताल का सम है। और दूसरी तरफ विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की तरफ यदि आप देखें चार्ट में तो वहां ताल चिन्ह को कैसे दर्शाया जा रहा है, यदि सम है तो वहां खड़ी हुई रेखा दर्शाई गई है। और भातखंडे पद्धति में खाली को दर्शाने के लिए जीरो शून्य का प्रयोग किया जाता है, और विष्णु दिगंबर जी की स्वरलिपि में खाली को दर्शाने के लिए एक प्लस का आप निशान देख रहे हैं, वो इस तरफ इशारा करता है कि ये खाली है। और भातखंडे जी की पद्धति में विभाग दर्शाने के लिए एक खड़ी रेखा, और दूसरी तरफ विभाग दर्शाने के लिए वहां भी खड़ी ही रेखा का प्रयोग किया जाता है। अब ताली या ताली संख्या, तो वहां क्या है उदाहरण के स्वरूप यदि हम देखें तो हम कई बार ताल में देखते हैं दो तीन चार लिखा मिलता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये दूसरी ताली है, ये तीसरी ताली है, ये चौथी ताली है। भातखंडे पद्धति के चार्ट में यदि आप देखें सबको दर्शाया गया है। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो वहाँ एक पाँच तेरह यदि ये संख्या आती है तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि इस ताल की अमुक मात्रा पर यहाँ ताली का प्रयोग किया जाएगा। अब मैं स्वर सौंदर्य के कुछ चिन्ह इन पर बात करना चाहूंगा, आप ध्यान से देखें एक अर्धचंद्राकार इस प्रकार खड़े रूप में आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है मींड, इस प्रकार के चिन्ह को मींड कहते हैं। जैसे अब आप देखें वहां लिखा हुआ है नीधा पामा और उनके ऊपर एक अर्धचंद्राकार रूप प्रदान किया गया है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात यहां पर नी से मां तक मींड ली जाएगी। ये भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में आप देखें। और बिल्कुल दूसरी तरफ यदि आप जाएं पलुस्कर जी की तरफ तो मींड दर्शाने के लिए वहां क्या है, वहां स्वरों के ऊपर अर्धचंद्राकार चिन्ह वहां भी लगाते हैं, जैसे वहां उदाहरण के स्वरूप में आप देखें प और ग है तो वहां
पा और गा के ऊपर पा से एक अर्धचंद्राकार रेखा जा रही है जो गा के बिल्कुल जहां पर गा हम खत्म कर रहे हैं वहां तक जा रही है। तो ये हमें दर्शाती है कि किस प्रकार मीड हमें लेनी चाहिए। और किसी स्वर के ऊपर कोई स्वर दिया हो तो उसे कर्ण स्वर समझना चाहिए। उदाहरण के स्वरूप पे जैसे नीचे पा है और पा के ऊपर यदि आप देखें गा लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है कि गा को थोड़ा सा छुएं या गा को थोड़ा सा गाएं और पंचम को ज्यादा गाएं, या आप यूं कहें कि जरा सा छूते हुए प स्वर को गाएं या बजाएं। और दूसरी तरफ विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की पद्धति में कर्ण स्वर दर्शाने के लिए मुख्य स्वर के ऊपर कर्ण स्वर को सूक्ष्म रूप में लिख देते हैं। प्रायः एक जैसी ही परिभाषा यहां देखने में हमें मिलती है जैसे यहां दर्शाया गया है प के ऊपर मा। तो इसका मतलब यह है कि जब पा को गाते हुए या बजाते हुए मा का थोड़ा सा हम स्पर्श करते हैं तो पता चल जाता है कि मा का कर्ण लग रहा है। अब बात चलती है कुछ स्वरों को हम देखते हैं कि वो कोष्ठक में बंद होते हैं। अगर वो कोष्ठक में बंद है तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें खटका शब्द से संबोधित किया जाता है। जो स्वर कोष्ठक में बंद हो इसका अर्थ है पहले उसके बाद का स्वर, फिर वह स्वर जो कोष्ठक में बंद है, फिर उसके पहले का स्वर तथा फिर वही कोष्ठक वाला स्वर, अर्थात एक मात्रा में चार स्वर। जैसे पा कोष्ठक में बंद, आप यदि वहां देखें टेबल पर पा कोष्ठक में बंद है और उसके बाद डैश, उसके बाद आप देख रहे हैं ध प म प। यदि आप इन स्वरों की तरफ देखेंगे तो ऊपर कही हुई बात जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि ये किस प्रकार से स्वरों का यहाँ रूपांकन देखने को मिलता है। और दूसरे विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की स्वर पद्धति में यदि आप देखेंगे खटका दर्शाने के लिए वहां भी स्वर को कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण एक पा यहां भी दिया गया है कोष्ठक में बंद और अभिप्राय उसका भी पहले जैसा ही रहेगा ध प म प। और गाने के जिस शब्द के आगे जितने अवग्रह चिन्ह आप देख रहे होंगे, एक एस का निशान है कोष्ठक से में बंद है, यदि इस प्रकार का निशान यदि भातखंडे स्वर पद्धति में आपको देखने को मिले तो इसका मतलब होता है कि उस शब्द की उतनी ही मात्रा बढ़ाकर गाएं। जैसे रा एस एस म, ये उदाहरण के स्वरूप में दिखाया गया है। तो गाते हुए आप क्या करेंगे रा आ, आ, म, इससे पता चल रहा है कि इस प्रकार के कर्म को आपको अपनाना पड़ेगा। और जिस स्वर के आगे जितनी खड़ी लकीरें हों, इस प्रकार की आप एक लकीर देख रहे हैं, रेखा देख रहे हैं, यदि इस प्रकार की रेखा आ जाए, भातखंडे स्वर लिपि पद्धति की मैं बात कर रहा हूं, तो उस स्वर को उतनी मात्रा बढ़ाकर गाते हैं। जैसे ग डैश डैश डैश, इसका मतलब क्या हुआ गा को तीन बार और आपने बढ़ाना। वो कैसे बढ़ेंगे ग अ अ आ। इस प्रकार से भातखंडे जी में ये जो स्वर पद्धति है उसमें इसका अर्थ यह निकलेगा। और दूसरी तरफ विष्णु नारायण पलुस्कर जी की जो स्वर पद्धति है वहां उच्चारण के लिए अवग्रह चिन्ह जो कोष्ठक में एस बंद है इसका प्रयोग करते हैं, और गीत के अक्षरों के ठहराव को लंबा करने के लिए बिंदु, एक आप बिल्कुल बिंदु देख रहे हैं कोष्ठक में बंद है, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ग एस एस प, तथा जो बिंदु का प्रयोग है वो शा लिखकर, जैसे इसमें एग्जांपल है दो डॉट हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया शा आ अ मा। तो हम देखते हैं कि भातखंडे स्वरलिपि पद्धति और विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति के ये चिन्ह जो हैं वो कैसे विभाजित किए गए हैं, स्वर चिन्ह के रूप में, सप्तक चिन्ह के रूप में, स्वरमान के रूप में और ताल चिन्ह के रूप में और स्वर सौंदर्य के चिन्ह के रूप में। और प्रायः आपने यह सारी चीजें पहले पढ़ी भी होंगी कि शुद्ध स्वर होते क्या हैं, कोमल स्वर होते क्या हैं, तीव्र स्वर किसे कहते हैं, मध्य सप्तक क्या है, मंद्र सप्तक क्या है, तार सप्तक क्या है। जब हम कोई स्वरलिपि लिखते हैं तो उसमें ये चिन्ह प्रायः हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि यदि स्वर के नीचे कोई बिंदी लगी है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम मंद्र सप्तक की तरफ जा रहे हैं। और यदि उसमें कुछ नहीं लिखा गया, स्वर प्रायः ऐसे जैसे हैं, तो उसका मतलब ही ये मध्य सप्तक के हैं। यदि स्वर के ऊपर कोई बिंदी है तो इसका मतलब होता है वो तार सप्तक के हैं। और कई जगह अतितार,
अति मंदर की भी बात चलती है। जब अति तार हो जाए तो क्या करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं ग अति तार की बात करूं तो ग के ऊपर तार सप्तक को दर्शाने के लिए हम एक बिंदी का प्रयोग करते हैं, तो यदि अति तार की बात करें तो वहां आपको दो बिंदियां लगानी पड़ेंगी। और यदि मंदर और आप अति मंदर की तरफ चलें और अति मंदर की मैं बात करूं कि मान लीजिए अति मंदर का मैं नी की बात कर रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, नी के नीचे दो बिंदुओं का प्रयोग कर देंगे। इस प्रकार हमें पता चल जाएगा कि ये अति मंदर के स्वर हैं। और स्वरमान प्राय हम लोग इसका भी प्रयोग अपनी बंदिशों में खूब करते हैं। तालों का जो प्रयोग होता है उनके चिन्ह भी यहां बताए, स्वर सौंदर्य को बढ़ाने की भी बात की गई। और ये जो दोनों पद्धतियां हैं ये संगीत के विद्यार्थी, शिक्षक, शोधार्थी सभी को आनी चाहिए, क्योंकि ये यदि नहीं आपको आएंगी तो आपको कैसे पता चलेगा। मान लीजिए आपने कोई एक स्वर लिपि लिखी और उसका स्वर है मंदर का है, लेकिन आपने बिंदी नहीं लगाई, तो आप प्राय क्या इसका अर्थ क्या निकलेगा, अर्थ ही बदल जाएगा। गाना तो मंदर का है यदि उसके नीचे बिंदी है, और यदि नहीं है तो आप मध्य का गा दोगे, लेकिन वो एक अन्याय हो जाएगा। इसलिए इस शास्त्र का बोध होना आवश्यक है। और यदि आपसे बार बार लिख कर, बार बार पढ़कर, बार बार चिंतन कर कर, मनन करके, और जो आप स्वरलिपियां जो आपके सामने आती हैं उन्हें आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो स्वर पद्धति है ये बहुत ही आसान है। लेकिन उसे आसान बनाने की विधि यदि आपको पता है तो आसान है, यदि विधि नहीं पता तो कई बार विद्यार्थियों को ये कठिन भी लगती हैं, पर और ये बड़ा रोचक विषय है। यदि आप इसमें थोड़ा सा भी अपना इंटरेस्ट रखें तो ये बहुत ही अच्छी पद्धतियां हैं। और ये दो पद्धतियां, जैसे उत्तर भारतीय संगीत की हम बात करें जिसके अंतर्गत हम सब लोग आते हैं, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति हमारे यहाँ ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन पता हमें दोनों पद्धतियों का होना चाहिए। तो ये विषय मैंने आज आपके सामने रखा, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लिख कर, पढ़ कर, देख कर, इन सब रस्तों से इसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। और जो सारणी मैंने आपको दिखाई भी थी और आपके सामने इस वीडियो में उन सारणियों को मैं रख भी रहा हूँ, उन सारणियों की तरफ आप ध्यान से देखें। बहुत से भी और चिन्ह भी होंगे जो इसमें नहीं आए होंगे, लेकिन यदि आपने इन चिन्हों की तरफ प्रकाश जो हमने डाला है उसकी तरफ आपने देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा भी एक में चार मात्राएं कैसे आती हैं, एक में पांच मात्राओं में कैसे काम करना है, एक में सात कैसे होती हैं, एक में आठ कैसे होती हैं। निशान प्रायः आपको समझ आ जाएंगे, जो हमने पहले दर्शाए हैं उसी प्रकार के निशान लगते हैं। दो के नीचे, तीन के नीचे आप देखेंगे निशान तकरीबन वही हैं, लेकिन सवाल है इसे समझने का। बहुत ही एक ये रोचक विषय है और आपके लिए हितकर है, हम सब के लिए हितकर है। तो इसलिए भातखंडे स्वरलिपि पद्धति और विष्णु दिगंबर पुरस्कार स्वरलिपि पद्धति का जो तुलनात्मक अध्ययन है ये आज आपके सामने रख दिया गया है। आशा है कि आप इसे बड़े ध्यानपूर्वक मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और इसे सार्थक रूप देने में संगीत जगत की मदद करेंगे। धन्यवाद।